शादी में मंगलसूत्र का क्या महत्व होता है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक शादीशुदा महिला के लिए मंगलसूत्र बहुत मायने रखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दूल्हा अपनी शादी में मंगलसूत्र के बिना पहुंच गया। बस फिर क्या था, दुल्हन को जैसे ही पता चला कि उसका दूल्हा मंगलसूत्र नहीं लाया है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद भी दोनों की शादी हुई, लेकिन जिस तरह से यह शादी हुई उसको लेकर देवरिया जिले में पुलिस की तारीफ हो रही है। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बाकी गांव में रविवार रात बारात पहुंची। बारात गोरखपुर जिले के झगहा थाना क्षेत्र के माई डीहा गांव से आई थी। बाकी गांव के रामकृष्ण यादव की बेटी अदिति यादव दुल्हन बनी थी। वह अपनी शादी को लेकर बेहद खुश भी नजर आ रही थी। विवाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। इसी दौरान मंडप में जब वधू को मंगलसूत्र पहनाने का समय आया तो पता चला कि वर पक्ष मंगलसूत्र लाया ही नहीं। यही नहीं, वह कोई जेवर लेकर नहीं आए थे। मंगलसूत्र और जेवर न लाने पर दुल्हन भड़क गई और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि उसके ससुरालियों ने दहेज भी लिया है, लेकिन वह ना तो जेवर लेकर आए ना ही मंगलसूत्र। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा तो मामला थाने तक पहुंच गया। थानेदार बिपिन मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और देर रात 2 बजे दोनों पक्षों को साथ बिठाकर समझाने लगे। थानेदार बिपिन मलिक ने दुल्हन अदिति यादव से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके भाई के जैसा हूं और आपकी हर संभव मदद करूंगा। काफी देर समझाने के बाद आखिरकार दुल्हन अदिति यादव शादी के लिए तैयार हो गई। सुबह 8 बजे अदिति और संजय की शादी धूमधाम से हुई। इस दौरान पुलिस के जवान और थानेदार वहां घंटों तक बैठे रहे। दुल्हन अदिति यादव ने भी थानेदार बिपिन मलिक के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा, पुलिस का रोल बहुत अच्छा रहा। उसने कहा, ससुरालियों ने दहेज लिया, इसके बावजूद वह जेवर लेकर नहीं आए तो मैंने शादी से इनकार कर दिया था। थानेदार साहब ने मुझे एक मोबाइल भेंट किया और मुझे अपनी बहन माना। शादी टूटने से बचने पर दूल्हा संजय यादव भी काफी खुश था। दूल्हे ने भी थानेदार बिपिन मलिक की जमकर तारीफ की। वही परिवार के लोगों ने पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की और कहा कि पुलिस की सूझबूझ और अच्छी कार्यशैली की वजह से दोनों की शादी हो गई और अब परिवार खुश है। सुबह सुबह दूल्हा दुल्हन की विदाई होगी। थानेदार ने बताया कि उन्होंने दोनों परिवारों से बातचीत की, फिर परिवार से कहकर मंगलसूत्र मंगवाया और लड़की शादी के लिए राजी हो गई। उन्होंने कहा, मैंने उसे अपना बहन माना है। उसके पास छोटा मोबाइल था, हमने एक अच्छा मोबाइल अपने थाने की तरफ से खरीद कर उसको उपहार में दिया। मैंने प्रयास किया है कि लोगों की नजर में पुलिस की छवि अच्छी हो। शादी में समस्या ये आई थी कि मंगलसूत्र हम नहीं लाए थे और उसी के लिए लोग हल्ला करने लगे थे, सब लड़की के घर वाले। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं बोला रुक जाइए 2 घंटे, हम शाम को मंगा देते हैं 2-3 घंटे। तो हमने मंगाया बाद में जी। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे नहीं शादी नहीं होगी। तो उसके बाद एसओ साहब की गाड़ी आई, तो एसओ साहब हम लोग खुले हुए थाने पर समझाए उझाए और उनकी मदद से हमारी शादी जुड़ गई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। उसने क्या मदद की आपकी? हाँ, वो हमारी शादी टूट रही थी, जो शादी करवाई हमारी, सब बहुत ज्यादा मदद की। ये क्या हुआ था? दहेज दिया गया था, बिको नहीं आया था, इसके वजह से टूट रहा था। फिर पुलिस ने क्या मदद की? एसओ ने बोले कि हम साथ दे रहे हैं, तुमको बहन मान रहा है, शादी कर लो, कोई तकलीफ होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या हुआ?